जय हिंद भाई लोग। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे, महार रेजिमेंट सेंटर में आपकी इंडियन आर्मी भर्ती शुरू की जाएगी नवंबर महीना से। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती संबंधी पूरी जानकारी बताने वाले हैं, कितने बच्चों का वहां पे ग्रुप बनता है, एवरेज कितने बच्चों को एक बैच में पकड़ा जाता है और कितना का बैच बनता है, टाइमिंग क्या दिया जाता है, अदर सेंटर वालों को क्या रहती है पोजीशन। इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारियाँ कवर करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, आप एलिजिबल होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहेंगे ये सारी जानकारियाँ के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल में इस जगह पे ये नोटिस जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन इस जगह पे देख पा रहे हैं कि ये 16 सितंबर 2021 के डेट में ये नोटिस आउट किया गया था। बाकी आपका जो भर्ती शुरू होने वाला है वो आपका 22 नवंबर से आपका भर्ती शुरू होने वाला है। जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा, रिटेन होगा, वो आपका 30 जनवरी 2022 के डेट में आपका ये इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन 22 नवंबर 2021 से आपका भर्ती शुरू होगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्टमैन का जो आपका ट्रायल लिया जाएगा वो आपको 15 नवंबर से शुरू होगा, 15 नवंबर से 21 नवंबर तक, ठीक है। बाकी यहां से 22 नवंबर से 30 नवंबर तक आपकी रिलेशन भर्ती चलेगी। नेक्स्ट यहां पे स्टेप देख पा रहे हैं कि जब वहां पे भर्ती में जाएंगे रिलेशन की भर्ती में, तो वहां पे कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे देख पा रहे हैं प्री डॉक्यूमेंट्स चेक। सबसे पहले आपको मेन आपका डॉक्यूमेंट्स चेकअप होता है, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। जैसे मैं आपका वहां पे होगा मेन मार्कशीट चेक होगा, आपकी रिलेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, 2 या 3 सर्टिफिकेट होगा चेक। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको रनिंग करना होगा, बीम मारना होगा, जिग जग बैलेंस करना होगा, आपको 9 फीट गड्ढा को जंप करना होगा, ये करना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब कुछ मेजरमेंट किया जाएगा। देन डिटेल डॉक्यूमेंट चेक एंड ये उसके बाद आपका पूरी तरह से डॉक्यूमेंट चेकअप होगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू केसेस। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद प्रिपरेशन एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड होगा, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका ये एग्ज़ाम होगा वो आपका 30 जनवरी 2022 के डेट में ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो यहाँ पर इस जगह पर देख पा रहे हैं। ये अभी जितना भी आप देखें ये नोटिफिकेशन का डिटेल देखें, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका बैच टाइम और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एवरेज जो बैच आपका बनता है वो आपका 50 बच्चों को वहाँ पे बैच तैयार करवाया जाता है, 50 बच्चों का। और उसके बाद 50 में से कम बच्चों को जो पकड़ा जाता है वो 20-25 इस टाइप से बच्चों को लिया जाता है। और अदर सेंटर वाला का जो वहाँ पे बैच बनता है वो आपका 100 के एवरेज बच्चों का वहाँ पे बनता है बैच, और उसमें से जो पकड़ा जाता है वो 35-45 इस टाइप से बच्चों को लिया जाता है। ये एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन पिछले साल के एवरेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 बच्चों का वहाँ पे बैच तैयार करवाया जाता है, इसमें से 20-25 बच्चों को लिया जाता है। और यही अदर सेंटर वालों को 100 जब बैच बनता है तो उसमें से 35-45 इस टाइप से बच्चों को पकड़ा जाता है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग के बारे में, तो टाइम वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरा फुल टाइमिंग दिया जाता है, 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, इस टाइप से आपकी वहाँ पे टाइमिंग दी जाती है। मेडिकल का जो बैच आपका वहाँ पे बनता है, मेडिकल के बैच के बारे में आपको बता रहा हूँ, पिछले साल का जो बना था मेडिकल बैच वो आपका 120-150 इस टाइप से आपका बैच बनता है। ये भी बोलना एग्जैक्ट मुश्किल है, लेकिन पिछले साल के एवरेज के हिसाब से मैं आपके साथ ये सारी जानकारियाँ बता रहा हूँ। बाकी वहाँ पे रनिंग ट्रैक की बात कर लिया जाए तो उस जगह पे आपका 800 मीटर का एक ट्रैक है, मतलब कि 2 राउंड आपको लगाना पड़ेगा, 8 × 16 मीटर इस टाइप से हो जाएगा, ये 800 का एक राउंड है। आई होप इस वीडियो में जितनी भी ये जानकारी देखे ये पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।